नंबर 11 देखो, कह रहा है लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरणों के हल निकाले। अब आप सोच जाओगे कि सर इससे तो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं निकालना। x प्लस 2 बराबर 1 माइनस x, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, x का मान आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, लेखा चित्र के मदद से ही, लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, तो ग्राफ से ही हल करना है। तो इसको आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा, लेट यानी कि माना y बराबर x प्लस 2 और बराबर 1 माइनस x। ठीक है, तो पहले ले लेंगे केस पहला, यानी कि पहले लेंगे y बराबर x प्लस 2, इसके दो हल निकालो। तो x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। इसका चार्ट आप बना लो, समझ गए ना, इसका चार्ट बनाओ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं x y को, जो हमने मान निकाले उन सबको। x y, x की जगह 1 रखे हैं तो y क्या आ गया है 3, x की जगह 2 रखे हैं तो y क्या आ गया है 4, समझ गए ना। चलिए अब लेते हैं केस सेकंड, केस दूसरा, यानी दो समीकरण यहाँ भी बना लेने हैं, y बराबर 1 माइनस x। ठीक है, अगर x बराबर 0 ले लें तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। अगर हम x बराबर 1 पर रखें तो y बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 यानी कि 0। चलो, तो यहाँ से भी हमने दो हल निकाल लिए और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये यह x और यह y। ठीक, तो यहाँ पे हुआ x का 0 तो y का 1 और x का 1 तो y का 0। चलिए अब दोनों के लिए हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर खींच लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए, तो ग्राफ पेपर ले लिया हमने, यहाँ पे ये ले लेते हैं x एक्सिस और यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए यहाँ x, यहाँ पर x डैश, यह y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 काफी है, 4 तक, 1 2 3 और यहाँ पे 4। नीचे यहाँ पे खींच देते हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ पे ले लो -1 -2 -3 -4। चलो x का 1 है, y का 3 है, x का 1 y का 3, ये ना होगा 1, 3। अच्छा, x का 2 है और y का 4 है, 2, 4। चलो, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा खींच सकते ना इस तरह से, चलिए यही ना जाएगी, एकदम सीधा रेखा होना चाहिए, एकदम जाना चाहिए जिन बिंदुओं से होकर, हम लोग वहां पे दो बिंदु जो लिया ना उनसे एकदम होकर वहीं से जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ग्राफ ही। चलिए ठीक है, तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2। ठीक है, चलिए, और उसके बाद देखो x का 0 y का 1, x का 0 y का 1 और x का 1 y का 0। चलिए, तो ये 0 1 ये हो जाएगा और यह 1 0 हो जाएगा, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यहीं से ना होगी, चलिए ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एकदम ऐसे ही जाएगी, देख रहे हैं ना। चलिए, अच्छा ये आपका हो गया, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पे, यहाँ सामने x का मान जो पड़ेगा वही ना, तो x का मान यहाँ पे कितना पड़ रहा है, तो x बराबर पड़ रहा है -1/2। देख रहे हैं ना, 0 से -1 के बीचों बीच है, तो x का मान -1/2। आप अगर इस समीकरण से भी निकालोगे तो देखो ये आएगा इधर प्लस का, तो x प्लस x हो जाएगा और इधर 1 -2 हो जाएगा, ये 2 आके इधर कट जाएगा, यानी 2x - 1 यानी x बराबर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से भी समझ में आया, और ये हम लोग ग्राफ से भी, तो दूसरे वाले में भी वही खेल करना है। एक बार y बराबर 1/4 x - 1, यहाँ पे आप x के जगह 1, 2 पुट कर लो, 1 पुट x के जगह एक बार 1 पुट कर देना, एक बार पुट कर देना 5। ठीक है, तो y का भी आ जाएगा, और उसी तरह से दूसरा भी समीकरण लेना, y बराबर 2x - 1/4, यहाँ भी कम से कम दो हल निकालना और ग्राफ बना के x का मान वहां से प्राप्त करेगा, समझ गए, बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन